होती है वो तो अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम जी, बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक। जी हाँ, झारखंड ने देश पर कलंक लगाने का काम किया है। दुमका में विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने न केवल देश में झारखंड को बल्कि दुनिया में देश की छवि को भी प्रभावित किया है। घटना के बाद से राज्य की चंपई सोरेन सरकार पर बीजेपी भी हमलावर है। घटना को लेकर बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए खुलासा किया कि पीड़िता को मोटरसाइकिल से लोकल अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया है, पूरा बयान सुनिए। वो तो अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम जी, बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक। और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली, जिस प्रकार से उनके पास साथ घटना हुई स्पेनिश महिला के साथ, और उनको लोकल जो अस्पताल ले जाया गया था शायद मोटरसाइकिल से ले जाया, मैं ये जो जानकारी बताइए, ये तो और ही दर्दनाक कहानी। और इसलिए हमने डीजी पुलिस से बात की सवेरे, और हमने उनको कहा कि भाई इस प्रकार के पुलिस अफसरों के ऊपर तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए बिना विलंब। और उन्होंने बताया 3+1 शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी, हम बोले उन लोग को ऐसी सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार के दुस्साहस, ये कहने को तो मैंने कह दिया। इसके साथ ही मामले को लेकर एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा उनको अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्होंने बताया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, हम एफएसएल टीम और सीआईडी का सहयोग ले रहे हैं और मामले में जांच जारी है। पिछले 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी, उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया, रोक के उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी, क्योंकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल के हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है, तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं, निश्चित लगातार गश्ती होती रहती है, और इसी क्रम में ये सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया, और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया, विदेशी महिला से भी बात किया, उन लोग ने बताई कि उनके साथ गलत हुआ है, और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है,